ये दुनिया जो है ये एक स्ट्रगल यानी मेहनत की जगह है। अल्लाह ताला ने कहा कि लकद खलकना इंसान को कबद, इंसान को तो मुश्किल में पैदा किया। यहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़े जिहाद के लिए, जिहाद जद्दोजहद की संस्था, और इस वक्त जो है वो मार का बहुत ज़बरदस्त, हम लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त मौका दिया है। इस वक्त जो है वो जो दुश्मन है वो बिल्कुल टूट चुका है और फतह हमारे हाथ में, मगर हमारे पास भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसको रियलाइज करने में। यानी उनका मुआशरा तो तबाह हो गया, कहता हूँ कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आपकी खुदकुशी करेगी, ये तो पूरा हो चुका, मगर वो खंजर जिससे उन्होंने अपनी गर्दन काटी वो हमारी गर्दन पे भी पड़ा हुआ है। तो अब हमें अपने आप का बचाव करना है। बहुत बड़ी तादाद में हमारी कौम मजरूह हो चुकी है और एक नहीं बहुत सारी असल में उनकी बीमारियां हैं जो हमारे दिल में आ चुकी है। सबसे बड़ी बात जो है वो पैसा है, पैसे की मोहब्बत, पैसे की इबादत, हर चीज़ पैसे के खातिर की जाती है। ये जो है ये हमारे कानून का किसी ज़माने में और आजकल भी शायद इसकी बहुत कम हो गया है। आजकल जो यानी हमारे जब हम लोग आपकी उम्र के थे तो उस वक्त जो है वो अगर कोई आदमी किसी के लिए कोई एहसान करते हैं, जैसे कहते मैं तुम्हें इसके बदले में पैसा दे देता हूँ, तो वो बहुत बुरी बात समझी जाती है। आज भी थोड़ी सी बुरी समझ जाती है मगर कम बहुत, और लोग कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। तो हम अपनी नेकियों को बेचा नहीं करते थे पैसे के खातिर, मगर अब जो है वो पैसा इतना वो बन गया है और इसके कितने नुकसान रहे हैं समझने की ज़रूरत है। एक पूरा स्पिरिट था जो अब समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये हो भी सकता है। कि एक होता है तरीका काम करने का जिसमें सब मिल के एक मेहनत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो उसमें सब लोग शरीक हैं। ऐसे तबलीग में ये नज़र आता है, वहाँ जाते हैं तो किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकती प्राइवेट में, तो लोग जो है वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, बाथरूम भी साफ कर रहे हैं, मगर किस लिए? कि ये एक बहुत बड़ा काम है, इसमें सारे काम करने हैं, कोई ना कोई करेगा, तो सब इसके अजर में शरीक। जिस तरह से हाँ मस्जिदों में झाड़ू लगाता है आदमी, तो वो ये नहीं कहता कि ये कैसा अजीब काम, मगर अगर इसी काम को कमर्शलाइज कर दें, जैसे कोई फैक्ट्री है कोई प्रोडक्ट बना रही है, अब आपने किसी को हायर किया वो झाड़ू लगा रहा है, तो अब वो झाड़ू जो लगा रहा है अगर वो पैसे की खातिर लगा रहा है तो फिर वो चीज़ हुई जिसकी वजह से पूरी कार्ल मार्क्स की थ्योरी बनी गई। एक आदमी है मैंने उसको खरीद लिया है पैसे के बदले में, अब वो उसकी खिदमत जो है वो पैसे के एवज हो रही है, वो इस बात में शरीक नहीं है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उससे माशरे में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो सिर्फ अपने पैसे के लिए काम कर रहा है, तो अब उसकी और मेरी दुश्मनी। तो बहरहाल ये एक बात है और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमारे यहाँ जो जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। जो बात ख़ास तौर पे औरतों लड़कियों से मुतल्लिक है वो ये है कि जो सबसे अहम अदारा है माशरे का वो होता है ख़ानदान, क्योंकि वहाँ जो है वो सबसे जो बुनियादी यूनिट है सोसाइटी का वो मैन्युफैक्चर होता है, बच्चों की तरबियत होती है। सारे बच्चों की अगर तरबियत अच्छी हो जाए सारा माशरा अच्छा हो जाएगा, बच्चों की तरबियत ख़राब हो जाएगी सारा माशरा ख़राब हो जाएगा, और ये हुआ वहाँ। यानी वहाँ चूँकि ख़ानदान टूट गया, उन्होंने औरतों, वो कहते हैं कि हमने औरतों को बहुत इज्जत दी, बिल्कुल ही अपोजिट ऑफ द ट्रूथ, औरतों को उन्होंने इतना जलील किया अपने माशरे में कि कोई भी औरत खुश नहीं रह सकती। तो औरतों का जो असल काम था घर को चलाना, उसकी खातिर अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत ज़बरदस्त ऐसी सिफात दी हैं जो मर्दों में नहीं होती, वो कर सकती है। जैसे कुरान में आके औरत वो काम कर सकती है तो मर्द नहीं कर सकता। तो
वो उन्होंने उसकी इज्जत ही उठा ली। अभी भी औरत शर्माती है कहने से कि मैं आई एम मदर एंड हाउस वाइफ, ये अमेरिका में कोई औरत पसंद नहीं करती है कहने। उसको कहा पूछा कि तुम क्या करती हो, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मगर मदर एंड हाउस वाइफ इसकी कोई इज्जत नहीं माशा। तो जब उन्होंने सोसाइटी के सबसे अहम काम को बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया, और जन्म कहा कि हम फिर ये काम क्यों करें, हमारी कोई इज्जत नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम भी नौकरियाँ करेंगे, हम भी जाएंगे जॉब से, हम भी वो काम करेंगे, हमारी भी इज्जत है, हम तो पीछे पड़ेंगे। तो हो गया फिर। अब यहाँ ये रविश उस हद तक नहीं आई है अलहमदिल्ला यहाँ हमारे, मगर टेंडेंसी उसी तरफ जा रही है। और ये बात भी हो रही है कि खानदान को जो तोड़ने का जो सिस्टम किया गया था वो यही था कि लोगों को ऐश परस्त बनाया जाए, और ये जो गंदगी का जाल है जो नेटवर्क पे और फिल्मों में और जिसमें इंसान को ख्वाब दिखलाए जाते हैं जो पूरे नहीं हो सकते, मगर उससे खानदान की जिंदगी बहुत गिरा सकते हैं। तो ये सारे वो खंजर हैं जो हमारी शरीर पे चल रहे हैं, और वो जहर है जो हमें पिलाया जा रहा है। तो इसको समझना, इससे अपना दफा करना, लोगों तक ये बात पहुंचाना बहुत अहम है सर, और खानदानों को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत करनी। यही जो बेसिक यूनिट ऑफ माश है उसको तोड़ा जा रहा है, और हम देख सकते हैं इसके असर आजकल जो है वो तलाक और जो प्रॉब्लम्स हैं फैमिली के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसको जो पहले नहीं लगते थे। मगर इसको समझना है कि ये बुनियाद है, और इसको कोशिश करनी है, हम सब कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जंग है, हर आदमी को इसमें अपना हिस्सा देना होगा। तो अहले मगरिब ने जहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स पे मार खाई, और यानी बिल्कुल ही जो बात हकीकत से उलट थी उसको चलाया, और उसको खुद भी माना और दूसरों को भी तस्लीम करवाया, उनमें से एक बात ये थी कि हम ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं ऑब्जर्वेशन और लॉजिक के जरिए। जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी हैं, हर आदमी इस बात को तस्लीम करता है कि बस फैक्ट्स चाहिए हमें, और ओपिनियंस की बात मत करो, ओपिनियन जो है वो नहीं ले सकते, असल चीज़ जो है वो फैक्ट्स है। अच्छा, ये बात सही नहीं है, और चूंकि ये बात इतनी गहरी तौर पे पिलाई गई है हम लोगों को, मुझे भी, कि इसको यानी रियलाइज करने में बड़ी देर लगी मुझे कि अच्छा ये बात जो हम समझ रहे थे कि यानी बिल्कुल ऑब्वियस है, ये असल में एक ऐसे ही फ्रॉड है, धोखा है। फैक्ट्स के जरिए से इंसान कहीं नहीं पहुँच सकता, उसमें हमेशा उसको अपनी ओपिनियंस और फ्रेमवर्क्स, बाकी ये फैक्ट्स होते ही नहीं हैं। हम जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो हमारी थ्योरीज के मुताबिक है। अब मसलन हमारे पास ये GNP है, इसकी सीरीज़ है, क्यों इसकी सीरीज़ है, इसलिए किसी ने कहा कि ये वेल्थ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको काउंट किया जाए, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि तरक्की हो रही है। अगर उसने ये ख्याल नहीं पेश किया तो इससे पहले मेजर ही नहीं की जा रही, क्योंकि इसकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि लोगों ने इसकी अपोज भी किया कि इससे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, इसमें इतने सारे मेहनत करते हैं, अदारे बनाते हैं, लोगों को तनख्वाही देते हैं, जाके इसको गिनो उसको गिनो ताकि पता चले कि कितनी पैदावार हुई, मगर अगर वो अहम ही नहीं है, और है नहीं अहम असल में, और चीज़ें हैं जो बहुत अहम है जो मेजर नहीं की जाती। अभी किसी ने कैलकुलेट किया कि हम SAT और ये इसको इस पर इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, सारी कौम जो SAT लेती है, स्कोर लेती है, कॉलेज में दाखिला लेती है, तो इससे कितना फ़ायदा होता है। उसने कहा कि SAT का जो मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो बाकी हमारे सोर्सेज हैं, अगर उसकी बेसिस पे हम करें, और SAT का अजाफी जो फ़ायदा है वो तकरीबन 2% है, जो बहुत ही मामूली है, और इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी कैरेक्टर्स हैं, हम ये एसेस करना चाहते हैं, हम उन तलबा को दाखिला दें जो अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे जाके, तो उसका ये इस्तेमाल करते हैं SAT स्कोर से जज करने की कोशिश करते हैं। कहते उसने कहा कि बहुत सारी स्टडीज हैं, इनसे पता चलता है कि SAT स्कोर से कुछ नहीं होता, यानी उससे वो पता नहीं चलता है वो बात, और किस चीज़ से पता चलता है,
कहते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो नजर नहीं आती, वो अगर स्टूडेंट के अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर वो उसको कोई मुश्किल प्रॉब्लम दिया जाए तो बजाय इसके कि वो डिस्करेज हो के और वो बैठ जाए, वो उस पर मेहनत से काम करता रहता है, तो ये क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से सक्सेस आती है। मगर इनको नापना भी मुश्किल है और इसका कोई नंबर भी नहीं लगाया जा सकता। अब बेस्ट है कि एस्टैब्लिश मकूल है कि जिस चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो नंबर्स की बड़ी अहमियत है। अब इसके साथ साथ ये बात सामने आई कि नंबर से कुछ पता ही नहीं चलता है, तो अब हमें एक मेथोडोलॉजी इन्वेंट करनी होगी जिसमें हम नंबर्स के ज़रिए से कुछ निकालें, क्योंकि अदरवाइज हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये मेथोडोलॉजी है इकोनोमेट्रिक्स में भी, स्टैटिस्टिक्स में भी, कि हम नंबर्स के ऊपर अपनी ओपिनियंस को चस्पा कैसे कर सकते हैं। अब ये आज के लेक्चर इससे मुतअल्लिक है। तो कल का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने यही मौजूद चल रहा था कि कैसे हम डिस्क्रेपेंसीज को देखते हैं थ्योरी में और डेटा में। तो होता यही है कि जो बेसिक मेथोडोलॉजी है वो बहुत हैरानकुन है, और ये बिल्कुल हैरानकुन ये है कि हम कहते हैं कि ये मेरी थ्योरी है, अगर डेटा ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो ये थ्योरी सच है। हाँ, बात बड़ी बेवकूफ़ी की है कि यानी इस तरह की बहुत सारी और भी थ्योरीज हो सकती हैं, होती हैं, तो ये कोई प्रूफ नहीं है। मैं ये कहूँ कि ये मेरी थ्योरी है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता, इसलिए ये सही है, क्योंकि इस तरह से तो बहुत सारी थ्योरीज आ जाएंगी। मगर यही मेथोडोलॉजी है इकोनोमेट्रिक्स की भी, और इसी तरह से हम वो कर्ज काम कर सकते हैं जो वेस्ट वाले करते हैं। और जब वो कहते हैं कि ये मेरी थ्योरी है, इसको डेटा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, देयरफॉर माय थ्योरी इज प्रूवन। एवोल्यूशन की भी एग्जैक्टली यही बात है कि एवोल्यूशन में वो कहते हैं कि एवोल्यूशन इज प्रूवन, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं। प्रूवन से मतलब ही यही है कि इसके खिलाफ हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला। एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन भी मिले, मगर उन्होंने उससे कहा कि नहीं, इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यानी उनके यहाँ प्रूफ का जो मतलब है वो नहीं है जो हम और आप प्रूफ समझते हैं। अच्छा, तो अब इस लेक्चर में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी एक दो बार, मगर फॉर्मली नहीं किया है। अब इस बार इस लेक्चर में इसको फॉर्मली स्टडी करना है। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, और वो फ्रेमवर्क जो है वो टेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि हम कहते हैं कि लेट्स अस्यूम दिस, लेट्स अस्यूम एक्स वाई एंड जेड, और ये सब जो है ये हमारा बेस हाइपोथेसिस है, जिसमें जिसके बारे में हम सवाल जवाब नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये तो असम्पशन है और ये ट्रू है बाई असम्पशन। इसीलिए वो जो एक लतीफा है आप लोग ने सुना होगा कि एक सहरा में कुछ लोग थे, उनके पास एक टिन कैन में खाना था। अब सब लोग खाने की तलाश में थे, मगर किसी को वो उसका कैन ओपनर नहीं मिल रहा था। तो जो जियोलॉजिस्ट है उसने को देखा कि कोई रॉक फॉर्मेशन ढूंढने चला गया कि वहाँ से वो उससे वो ओपन कर लेगा, और इसी तरह से मुख्तलिफ इंजीनियर था उसने अपना लिवर ढूंढने लग गया, और इस तरह से सब पेशे के लोग अपने अपनी स्किल के अतबार से कोई तरीका ढूंढने लगे कि कैन को किस तरह से खोला जाए। मगर इकोनॉमिस्ट सबसे तेज था, उसने कहा लेट्स अस्यूम द कैन इज ओपन खाली। तो इसी तरह से हमारे जो असम्पशंस हैं उनको टेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं, ये फ्रेमवर्क असम्पशंस होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेमवर्क असम्पशन टेस्टेबल ही नहीं होते हैं, यानी ऐसा असम्पशन है कि जैसे कि मैंने बताया कि लेट्स अस्यूम कि वो क्रिकेट की बॉल में जो वो मार रहा है एवरी प्लेस इज इंडिपेंडेंट, इसका कोई देयर इज नो वे टू टेस्ट इट, क्योंकि ये है ही नहीं इसका कोई पॉसिबिलिटी टेस्ट करने की। हम इसके बारे में गपशप कर सकते हैं कि शायद हो। इसी तरह से अभी एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है, उसने अनाउंस कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिप्रेशन जो है वो शायद 30% है या 50% की।
अब ये एक ऐसे चीज है कि जो बिल्कुल ही टेस्टेबल नहीं है इस वक्त के आज के हालात में। अगर डिप्रेशन हो गया तो कहा कि देखा मैंने कहा था, नहीं हुआ तो कहा कि देखा मैंने कहा था। देयर इज नो वे टू प्रूव रॉन्ग और राइट कि 30% प्रोबेबिलिटी है। तो टेस्टेबल नहीं है ये। जो एक मेथडोलॉजी हमें सिखलाई जाती है मगरिब में वो यही है कि डेटा एंड फैक्ट्स लीड टू ट्रूथ। जो हम हमारा काम है कि हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को एवेल्युएट कर लें, अपने इमोशन को इसमें आने नहीं दें। और एक और बात ये है कि एक चीज़ जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज है। हर आदमी स्पेशलाइज्ड है, हम अपने काम से काम रखें। हमारा काम यह है कि इस डेटा से हम रिजल्ट्स निकाल दें। हमें यह नहीं मतलब कि कौन किसने ये सवाल पूछा और वो इस हम जो उसको जवाब देंगे वो कैसे इस्तेमाल करेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड में। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब जिन्होंने बनाया उनसे पूछा कि भाई ये जो है इससे तो बहुत लोग हलाक होंगे, उन्हें ये हमारा काम नहीं, हम तो फिजिक्स करते हैं, आगे जो इसको इस्तेमाल करेगा वो जाने, उसका काम जाने। तो ये इस्लाम से बिल्कुल ही टकराता है। हम लोग कहते हैं कि जो सूद में जो गवाही लगता है, जो कलम, जो रोशनाई, यानी थोड़ा सा भी ताल्लुक हो गया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो हम अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसके नतीजे से हम अपने आप को वो नहीं कर सकते कि बरी उस जिम्मा के भाई मैं तो ये काम कर रहा हूँ, आगे जिस तरह से जो आगे इस्तेमाल करे वो उसकी जिम्मेदारी। और जो हकीकत है वो एग्जैक्टली इस वेस्टर्न मेथोडोलॉजी के जो आजकल की मारूफ मेथोडोलॉजी है वो गलत, इसके अपोजिट है। फैक्ट से ट्रूथ तक रसाई होती ही नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स भी थ्योरी के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं, हमारे पास डायरेक्टली कोई फैक्ट्स नहीं आते। उस फैक्ट से कुछ चीज़ निकलवाने के लिए बहुत सारे उसके अंदर फ्रेमवर्क की चीज़ें डालनी होती हैं और उसको छुपा दिया जाता है। इस्लाम में ये ज़रूरी है कि पूछे कि भाई मुझसे ये जो सवाल पूछ रहा है वो क्यों पूछ रहा है और कौन पूछ रहा है, और अगर मैं इसको कोई जवाब दे दूंगा तो वो कैसे इस्तेमाल होगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा। अगर ये सारी चीज़ें पूछ लें तो अक्सर डेटा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि फिर बात सामने हो जाती है कि आदमी जिस मकसद की पूछा है वो बुरा है, इसमें हम पढ़े ही नहीं तो अच्छा है। और इसकी बड़ी मिसालें हैं कि कैसे लोगों ने गलत सलत इकोनोमेट्रिक एनालिसिस करके कौमों को बड़े बड़े कर्जे दे दिए और जिसका बहुत नुकसान हुआ। अब मैं स्पेसिफिक एनालिसिस की तरफ आता हूँ कि हमें यानी एक तो बिग पिक्चर रखनी है सामने और एक लिटिल पिक्चर भी, जिसको कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो हमारे सामने जो है वो आसमान भी है और उफक भी है, और मगर जैसे कहते हैं कि वो शजर जो ईमान का है उसके जड़ तो ज़मीन में है और उसकी शाख और तने जो है वो आसमानों में है। तो हम बहुत दूर भी देखेंगे मगर हमें अपना अगला कदम भी देखना है। अगर आँख ऊपर रखेंगे तो यहाँ नीचे पत्थर होगा तो गिर जाएंगे। तो लिटिल डिटेल्स बहुत अहम है, मगर उसकी डिटेल्स में खो के वो बिग पिक्चर को भी नहीं भूलना है। ये अहले मगरिब की गलती है, वो कहते हैं कि बस तुम अपने आसपास देखो और दूर नहीं देखो और गोल्स की फिक्र नहीं करो और इसका जो तुम काम कर रहे हो उसका ताल्लुक बाकी चीज़ों से क्या उसको नहीं देखो। तो अब ये हम एक स्पेसिफिक सवाल पे आते हैं। ये एक्चुअल रियल डेटा है SAT स्कोर्स का फ्रॉम एक लम्स की एडमिशन क्लास का मैंने डेटा उठाया। मेरा ख्याल है कि मैंने नाम कुछ गड़बड़ शड़बड़ कर दिए हैं ताकि लोगों को वो नहीं हो, मगर हो सकता है कि रियल नेम्स हों, मुझे याद नहीं रहा। आमना मिर्ज़ा तो एक स्टूडेंट थी मेरी किसी ज़माने में, हो सकता है कि वो रियल ही नाम हो। अच्छा, तो ये सवाल है कि हम ये स्कोर्स देख के ये पता चलाएं कि आर गर्ल्स स्मार्टर देन बॉयज। अब वैसे तो ये सवाल थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, मगर एक्चुअली ये सवाल पूछा जाता है फॉर सेवरल डिफरेंट रीजंस। इसमें
हमको पता है, ये एक तो एडमिशन पॉलिसी डिटरमिन करने के लिए कुछ लोग फेमिनिस्ट हैं जो मेंटेन करते हैं कि औरतें होती हैं बेहतर मर्दों से, तो वो उस मकसद के लिए शायद पूछ रही हूँ। कुछ जॉब्स के बारे में सवाल अराइज करते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के खिलाफ। कुछ लोगों का कहना है कि औरतें जो हैं वो मर्दों से मुख्तलिफ होती हैं, औरतों की लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होती है जो कि इमोशंस और वो उस पर कंट्रोल करती है, और मर्दों की राइट ब्रेन जो कि एनालिसिस पे ज़्यादा वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम लोग सिर्फ यानी इस वक्त सिर्फ इसको यानी स्टडी के लिए स्टडी कर रहे हैं, मगर अगर आप रियल वर्ल्ड में ऐसी एनालिसिस करेंगे तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, और मैं जो जवाब दूंगी उसका क्या नतीजा निकलेगा। यहाँ पे हम लोग इसको बाईपास कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो डेटा एनालिसिस है, हमेशा ये मैंने आपको पहले बताया कि वो हमेशा एक मॉडल के लेवल पे होती है, रियल डेटा से उसका उतना ताल्लुक नहीं होता है, मगर चूंकि ये बात रियलाइज नहीं की जाती है इसलिए लोग समझते हैं कि हम डेटा से बात कर रहे हैं, हालांकि डेटा की बात नहीं चल रही है बल्कि बात मॉडल की चल रही है। इस बात की वजाहत होगी जब हम इसको इस पे मॉडल बनाएंगे तो फिर बात समझ में आएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन जिसको इम्प्लिसिटली अस्यूम कर लिया जाता है विदाउट डिस्कशन, कि डज दिस क्वेश्चन मेक सेंस, इट्स पॉसिबल कि दिस क्वेश्चन मेक्स नो सेंस, कि आर गर्ल्स स्मार्टर देन बॉयज। भाई हर औरत अलग है, हर मर्द अलग है, कोई औरत ज्यादा स्मार्ट है, कोई कम है, टू से ऑल द गर्ल्स टुगेदर उनका कोई इंटेलिजेंस कॉमन है ही नहीं, यानी देयर इज नो सच थिंग एज ऑल गर्ल्स। तो ऑल गर्ल्स को टुगेदर एक एंटिटी शुमार करना ये सेंसिबल बात ही नहीं है, तो क्वेश्चन डजंट मेक एनी सेंस। बाज कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं, इट माइट मेक सेंस टू डू सच एनालिसिस, मगर इट्स नॉट ट्रू कि ये क्वेश्चन इज ऑलवेज अ रीजनेबल क्वेश्चन। तो ये पूछने की बात है, ये क्लासिफिकेशन कि गर्ल्स अलग हैं बॉयज अलग हैं, इज दिस रीजनेबल? परहैप्स वो जो एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं उसमें कोई और क्लासिफिकेशन ज़्यादा अहम हो, वो जो एवरेज हम निकाल रहे हैं डज इट मेजर एनीथिंग? ये जो हम बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में है जॉब्स की हो, तो ये SAT स्कोर्स उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, या उसकी कोई और मेजर होगी? इंटेलिजेंस माइट बी मेजर्ड बाय सम अदर्स। एक अंग्रेज ने अभी रिसेंटली लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ये लोग गए तो इन्होंने एबोरिजिनीज पे बहुत जुल्म किया जो वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे थे, और कहा कि तो जानवर हैं। और मैंने कहा कि उसी ज़माने में जब ये लोग पहुँचे तो जब ये लोग भूखे मर रहे थे, फैमिन हो रहा था, वो लोग आराम से खाते पीते थे क्योंकि वो वहाँ की जगह को जा पहचानते थे। जो बेसिक मेजर है इंटेलिजेंस की कि सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें ये लोग ज़्यादा स्मार्ट थे अंग्रेज़ों से। तो यानी दिस इज ऑफन एन इशू कि ये क्राइटेरिया गलत हो जाते हैं। मसलन ये कि मुशर्रफ ने अपनी रजीम को जस्टिफाई किया कि हम लोग GNP बढ़ा रहे हैं, तो और GNP बहुत अहम है, अगर हम उसको क्राइटेरिया बदल दें कि नहीं पॉवर्टी हम बढ़ा रहे हैं, तो सेम रजीम वुड बी जज्ड टू बी अ फेलियर। तो अगर हम जिस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं वो खुद एक इशू ऑफ डिबेट होता है। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि GNP राइट क्राइटेरिया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि उसने मेजर गलत किया या ग्रोथ रेट गलत किया, मगर वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल बाय एक्सेप्टिंग कि ये सही मेजर है नेशन के फलाह की। तो इस पे भी बैटल होती है। तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जो पसे पर्दे चले जाते हैं जब हम कहते हैं कि जब मैंने टेबल डाल दिया कि दिस इज द GNP पर कैपिटा, मैंने इसकी बहस ही नहीं की कि ये सही मेजर है कि गलत है, क्योंकि ये सब लोग हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हमने सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो वे ऑलरेडी यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो अराइज करते थे जो हमने दबा दिए, इसको इशू ही नहीं बनाया। अच्छा, तो अब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं। अब फिर से हम यानी बिग पिक्चर होती है, एक फॉरेस्ट कहते हैं और एक कहते हैं ट्रीज, तो हम अब ट्रीज की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम ये
ओरिजिनल क्वेश्चन है कि डू गर्ल्स आर गर्ल्स स्मार्टर देन बॉयज, तो अब हमने एक मॉडल बना दिया इसको आंसर करने के लिए, इसी के लाया कि हमने कहा कि ऑल गर्ल्स हैव कॉमन वर्बल एबिलिटी VG, which is verbal ability of girls. अब ये assumption reasonable है कि नहीं है इसका अब हम बहस नहीं करेंगे, हमने assume कर लिया, और जब हम assume करते हैं तो आपको भी यही दावा देते हैं, आप भी assume कर लें, ऐसे ही होती है analysis कि आप देखेंगे भाई वो कैन वाला मामला है, किसी भी economic article में it starts out, let's assume this, let's assume that and the other, इसकी बहस नहीं होती कि assumption reasonable है कि सही है कि गलत है, बस उसके आगे इसको ये हमें जरूरी है ताकि हम मॉडल बना सकें, अगर हम ये नहीं अस्यूम करेंगे तो मॉडल नहीं बना सकते, सब पहचानते हैं वी आर ऑल टाइड टू दिस, इसलिए एक दूसरे की जो गलतियां हैं उस पर वो दरगुजर का मामला करते हैं, क्योंकि कहेंगे कि हम इसको अगर छोड़ देंगे तो हमारा पूरा मेथड ही बैठ जाएगा, तो दिस इज द मेथोडोलॉजी, ऑल गर्ल्स हैव कॉमन वर्बल एबिलिटी, और तो फिर नेक्स्ट असम्पशन ये हमने किया कि गर्ल्स स्कोर जो है वो IIT रैंडम सैंपल है फ्रॉम दिस इमेजिनरी पॉपुलेशन, इसी तरह से ऑल बॉयज हैव कॉमन एबिलिटी VB, और बॉयज स्कोर जो है वो IIT रैंडम सैंपल है नॉर्मल से। अब हमारी नल हाइपोथेसिस ये है कि दोनों इक्वल हैं, VG इक्वल्स VB, दोनों की मीन्स बराबर हैं, तो अगर पॉपुलेशन सेम है तो इसके मानी के ability of boys is the same as the ability of the girls. अच्छा फ्रेमवर्क assumptions जो हैं वो यही हैं कि ये IID रैंडम ड्रॉज हैं, इसका क्या मतलब है, क्या ये सही है क्या ये गलत है, इसको हम असेस ही नहीं कर सकते, इट्स बेसिकली अनटेस्टेबल assumption, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है जिससे गर्ल्स एबिलिटी ड्रॉ होती है, ये पूरा इमेजिनरी है, इमेजिनरी चीज को टेस्ट किया ही नहीं जा सकता है, अगर ये एक्चुअली ड्रॉज होती, और ये होता है, यानी अगर हम गर्ल्स को एट रैंडम पिक कर रहे हैं फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ लाहौर गर्ल्स की, ये अप्लाई करेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा दीज आर IID रैंडम ड्रॉज फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, तो फिर इन लड़कियों का स्कोर जो है इट विल रिफ्लेक्ट the scores of the Lahore girls, तो है यहाँ पे कुछ बात हो सकती है, that's a different kind of thing. Normality का वही मसला है कि इस 12 score में it is not rejected, मगर बहुत सारे और distributions हैं वो भी नहीं reject होंगे, तो हमने assume कर लिया it's not rejected, तो हमने assume कर लिया कि ये true है, हालांकि ये सही नहीं है. अच्छा अक्सर बेशतर हम ये भी अस्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है दोनों पॉपुलेशन का गर्ल्स और बॉयज का वो भी सेम है, और इसको हम फ्रेमवर्क में डाल देते हैं, टेस्ट ही नहीं करते, हालांकि हो सकता है कि अगर टेस्ट करें तो ये गलत साबित हो, ये टेस्टेबल असम्पशन है, मगर फिर भी फ्रेमवर्क में डालने के बाद हम इसको टेस्ट नहीं करते. अच्छा तो अब ये सब चीजें जो है ये इब्तदाई स्टेप्स हैं, ये भी सिखलाई जाती है स्टूडेंट को कि ये अस्यूम कर लो ताकि हम अपना काम कर सकें, वो हमारा काम नहीं है, फ्रेमवर्क असम्पशन जो है वो बस हम सिखलाते हैं कि कैसे वो फ्रेमवर्क असम्पशन बनाए जाए ताकि हम वहां तक पहुंच सकें जहां पे हम अपनी थ्योरी अप्लाई कर सकें, ये फ्रेमवर्क असम्पशन कैसे बनाए जाते हैं ये बस एक आर्ट है, ये सीखता है बाय अप्रेंटिसशिप के, मैंने एक प्रॉब्लम दिया उसमें असम्पशन किए फिर दूसरा लिया फिर असम्पशन किया, तो इस तरह से समझ में आ जाता है कि क्या असम्पशन करने हैं, assumptions का इस तरह से नहीं करते हैं कि realistic क्या है और unrealistic क्या है, assumptions इसलिए करते हैं ताकि वो problem उस शक्ल में आ जाए जिसमें हम अपने methods apply कर सकें. तो अब हमारी null hypothesis हो गई VB equals VJ, तो अब जो statistics की अब जो technical बात है वो ये है कि ये तरीका test करने का ये है कि सबसे पहले हम एक test statistic ढूंढते हैं, test statistic कैसे ढूंढी जाती है ये 4-5 स्टेप्स है, इसकी फिर हम तफसील में हर स्टेप को डिस्कस करेंगे. पहली स्टेप होती है टेस्ट स्टैटिस्टिक ढूंढना, दूसरे उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं अंडर द नल हाइपोथेसिस, डिस्ट्रीब्यूशन निकालने से उसका CDF पता चल जाता है, CDF से हमें उसकी 2.5% बॉटम वैल्यू 97.5% टॉप वैल्यू ये पता चल जाती है, तो उसकी रेंज ऑफ यूजुअल वैल्यूज पता चल जाती है, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि उसकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या है करंट डेटा में, ऑब्जर्व वैल्यू अगर यूजुअल है तो हम कहते हैं कि अच्छा दिस इज मैचिंग द नल, नल इज ट्रू,
हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मगर यानी बेसिकली यही है कि डेटा डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द नल। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू अनयूजुअल है तो फिर हम कहते हैं कि डेटा कॉन्ट्रडिक्ट्स द नल, नल को रिजेक्ट कर दो। तो ये बेसिक यानी ये बिग आइडिया है। अब इसकी कॉन्क्रीट डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालनी होती है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो डिविएशन मेजर करती है कि नल से कितना डिस्क्रेपेंसी है, क्या डिफरेंस है वीजी और वीबी में, यहाँ पे दैट इज द डिस्क्रेपेंसी। जितना डिफरेंस कम है उतना ये दोनों करीब हैं, जितना डिफरेंस ज्यादा है उतना ये नल इज वायलेटेड। तो सिंपल प्रॉब्लम में तो एक ही होती है अक्सर, मगर जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो कई डिफरेंट मेजर्स हो सकती हैं डिस्क्रेपेंसी की। तो ऐसे बहुत सारे हमारे आगे जाके इकोनोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम है जहाँ बहुत सारे टेस्ट हैं, क्योंकि डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग द डिस्क्रेपेंसी लीड टू डिफरेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। और इसमें कोई वो नहीं है, कोई तरीका नहीं है हमारे पास कि डिसाइड करने का ये वाली बेहतर है वो वाली खराब है, बल्कि सभी चलती है। चुनांचे हर किस्म के कंक्लूजन आते रहते हैं, देर इज नो नो अग्रीमेंट के कौन सा वाला टेस्ट इस्तेमाल किया जाए, मगर सिंपल सिचुएशन में देर इज अग्रीमेंट और यहाँ पे तकरीबन एक ही तरीका है। मगर एक्चुअली यहाँ पे भी दो तरीके हैं, मगर वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। तो अब बी जी जो है वो एबिलिटी ऑफ गर्ल्स है और वी बी जो है एबिलिटी ऑफ बॉयज है। तो अब हम ये पॉपुलेशन मीन है थ्योरेटिकल, जो हमारी इमेजिनरी है, ये तो हमें अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती है कि वो पॉपुलेशन जिससे गर्ल्स आ रही है, दे डजंट रियली एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। इसी तरह से बॉयज है। अब चूंकि ये IID रैंडम सैंपल है तो सैंपल मीन जो है वो अप्रॉक्सीमेट करता है पॉपुलेशन मीन को। तो हम ये बाहर जाके ये पीछे देखें, ये जो स्कोर्स हैं, तो इसमें वर्बल स्कोर में बॉयज का एवरेज 525 आया था। ये लास्ट टू नंबर जो है वो एवरेज और SDs हैं। 525 बॉयज का एवरेज है और 609 जो है वो गर्ल्स एवरेज है। और ये बॉयज SD जो है 48 है और गर्ल्स SD जो है वो 92 है शायद। अच्छा, यहाँ 46 और 92 है। ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स SD इज लार्जर, मगर हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो 84 है। 84 पॉइंट्स गर्ल्स एवरेज ज्यादा है बॉयज एवरेज से। तो अब इशू ये है कि ये बाय चांस हो गया है या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। अगर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो हम कहेंगे गर्ल्स आर स्मार्टर, और अगर ये बाय चांस है तो हम कहेंगे गर्ल्स आर नॉट स्मार्टर। तो अब हम इसको आंसर, तो ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने टी यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक इंट्रोड्यूस कर दी। अब नेक्स्ट इशू ये है कि हम कैसे पता चलाएं कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो इसकी मेथडोलॉजी ये होती है कि वी अस्यूम दैट द नल इज ट्रू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। उसके बाद फिर हम लोग इस असम्पशन में के जरिए से टी का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलाएं, जिसमें हमें फिर रेंज ऑफ यूजुअल वेरिएशन पता चल जाएगी। तो अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस रेंज में फॉल करती है तो हम कहेंगे कि ये कंपैटिबल विद नल हाइपोथेसिस है, यानी कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। और हम बार बार इस बात को बताएंगे तलबा को कि एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि नल इज ट्रू, मगर इन प्रैक्टिस हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो जब हम अमल पे आएंगे तो हम कहेंगे कि लेट अस एक्ट एज इफ नल इज ट्रू, क्योंकि देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट। तो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, ये अहले मगरिब के हमेशा से दस्तूर रहे हैं। कहते हैं कि हम जाके इराक में जो है वो लोगों को आज़ादी देंगे और उनको जो है वो गुलामी से निजात दिलाएंगे और वहाँ डेमोक्रेसी पहुँचाएंगे, और करते कुछ और हैं। तो टी आउटसाइड दिस रेंज इज नॉट कंपैटिबल विद नल,
अगर यूजुअल वैल्यू नहीं है तो फिर भी रिजेक्ट करना। तो अब ये पहली स्टेप की अस्यूम नल इज ट्रू। नाउ वी आर गोइंग टू गेट कि टी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर नल इज ट्रू तो फिर ये सारे 24 स्कोर जो है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। तो अब इसका ये तरीका है जो मैं आपको सिखला रहा हूं कि इस ये पैटर्न है। इस पैटर्न पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी हम आपको दिखलाएंगे कि ये कैसे करते हैं। तो इसमें नल ट्रू जब होती है तो सारे स्कोर्स को एक ही उसमें डाल दिया बंडल में। अब इसका जो मीन है वो हमने एवरेज ऑफ ऑल स्कोर्स से निकाल लिया, जो कि जब किया तो 567 आया। और इसी तरह से एस डी को ऑल स्कोर्स से निकाल लिया तो वो 84 आ गया। तो हमें पता चला कि अगर if there is no difference between boys and girls, तो फिर सारे population की एक ही mean है, वो 567 है approximately, क्योंकि ये true mean नहीं है, ये sample mean से हम estimate कर रहे हैं। इसी तरह से जो SE है या SD है population का, वो approximately 84 है, क्योंकि random sample का 84 है। तो ये तो हो गया population। अब इस पॉपुलेशन को हमने अस्यूम कर लिया कि यही पॉपुलेशन है। अब हमने कहा कि अंडर नल हाइपोथेसिस जो 12 बॉय स्कोर्स हैं वो आईआईटी हैं इस नॉर्मल पॉपुलेशन से 567 और 84। इसी तरह से ये 12 गर्ल स्कोर भी सेम पॉपुलेशन से आईआईटी सैंपल हैं। अब इनका हमने एवरेज निकाल लिया, ये 12 स्कोर्स का और गर्ल्स एवरेज अलग से निकाल लिया। और अब हमारे जो रैंडम वेरिएबल है वो टी है, जो कि डिफरेंस है ए जी माइनस ए बी का। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मगर अब हमारे पास सारी चीजें हैं, यानी हमारे पास ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से निकाला जाता है। एक तरीका ये होता है कि हम लोग सिमुलेशन करें, यानी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे सैंपल जनरेट करें बॉयज का भी गर्ल्स का भी, फिर एवरेज कैलकुलेट करें, फिर टी कैलकुलेट करें। इसको बार बार करेंगे तो इससे इसका एक आईआईटी सैंपल हमारे पास आ जाएगा। जब आईआईटी सैंपल आएगा तो उसकी यूजुअल वैल्यूज अनयूजुअल वैल्यूज निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल अभी मैं पहले करूंगा और सिमुलेशन वाला तरीका जो है वो बाद में एक्सेल में करेंगे। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेशन का तरीका ये है कि बॉयज एवरेज जो है वो एवरेज ऑफ 12 आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि जब हम एवरेज निकालते हैं ऑफ एनी नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स तो उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो सेम है एज एनी वन ऑफ देम, वो 567 हो गई। और डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, और जो एस डी है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड हो जाता है, बस वेरी सिंपल, दैट्स व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज। तो यहाँ पे चूंकि हमने सेकंड आर्गुमेंट में वेरिएंस लिखा है तो एवरेज ऑफ बॉयज इज नॉर्मल विद मीन 567 और वेरिएंस उसका है 84 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एस डी जो है वो एस डी जो है वो 84 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन इज 12 हियर, बारह चीजों का। तो 84 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो है वो एवरेज वो एस डी है एवरेज ऑफ बॉयज का। गर्ल्स का भी एग्जैक्टली द सेम है, कोई फर्क नहीं। उसकी मीन 567 है, उसका एवरेज है 84 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो कि 24.3 है, कैलकुलेट कर लिया हमने। तो जो टी है वो डिफरेंस ऑफ द टू है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक ये खासियत है कि अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी मीन्स भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं और वेरिएंसेस हमेशा ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वो साइन जो है वो उड़ जाता है बीच में से। माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों का एक ही वेरिएंस होता है। तो इसके मानी कि हम टी जो कि हमारी टारगेट स्टेटिस्टिक है, जो हमारी डिस्क्रेपेंसी मेजर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
नॉर्मल की मीन जीरो है क्योंकि मीन दोनों की बराबर थी, तो जब हमने डिफरेंस लिया तो मीन इसकी जीरो हो गई। और वेरिएंसेस ऐड कर जाते हैं, तो वेरिएंस टी जो है इज जस्ट टू टाइम्स वेरिएंस ऑफ एनी वन ऑफ देम, यानी दोनों का ऐड कर दिया। तो जब इसका एस डी निकालना है तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ टू से एस डी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24.3 था एस डी ए बी और ए जी का, उसको स्क्वायर रूट ऑफ टू से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4, तो 34 आ गया। तो इसके मानी के टी का जो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है विद मीन जीरो एंड एस डी 34.4। तो इसका जो यूजुअल वेरिएशन है वो प्लस और माइनस टू एस डीज में होगा, तो 34.4 जो है उसको डबल कर दें तो 68.8 हो जाता है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95% वो है -68.8 से लेकर +60.8 तक। अब जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो क्या है, ये था 84 टी, यहां पे 609 माइनस 525 ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है डिफरेंस की 84 है, ये बहुत ज्यादा है, 68 से ज्यादा है। तो इसके मानी के ये यूजुअल नहीं है। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होती यानी बॉयज एंड गर्ल्स सेम होते तो इतना बड़ा डिफरेंस हमें नहीं नजर आना चाहिए था, तो ये डिफरेंस इज टू मच। सेम लॉजिक कि वो जो हम कॉइन फ्लिप करते हैं, अगर हम असेस करना चाह रहे हैं कि फेयर है कि नहीं है, तो अगर 5 हेड्स आ जाए तो फेयर है, 6 भी फेयर है, 7 भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर 9 और 10 पे हम कहेंगे कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंसेस अगर टी जो है वो 60 तक है तो हम कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता ही, तो इतना बहुत तो रैंडम फ्लक्चुएशन हो ही जाता है, मगर 84 जो है बहुत ज्यादा हो गया, इट्स आउटसाइड द रेंज ऑफ यूजुअल। समझ में आ गया, किसी ने किसी को तो समझ में आ गया। और आपको क्या नाम, राबिया, आपको समझ में आ गया, बड़ा बात समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? हाँ, ये ऑब्जर्व्ड है ना, सैंपल जो हमने देखा ओरिजिनली उसमें 609 एवरेज था गर्ल्स का, 525 बॉयज का, बॉयज तो पीछे रह गया था, तो 84 डिफरेंस था। तो अब ये बाय चांस हुआ है कि बाय ये है कि गर्ल्स आर स्मार्टर, दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर बाय चांस होता तो हमने कैलकुलेट किया कि टी की वैल्यूज जो -68 और +68 के बीच में आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कॉमन पॉपुलेशन होता तो टी की ये रेंज ऑफ वेरिएशन है, मीन जीरो है इसकी और एस डी जो है 34 है, तो प्लस और माइनस 68 के बीच में नॉर्मल रेंज है। ये तो बहुत ही स्ट्रेंज वैल्यू है 84, इतनी बड़ी उसके दरमियान नहीं है, आउटसाइड है। इसके मानी कि ये नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू होती तो हम इतना बड़ा वैल्यू नहीं देख सकते, इसके मानी नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होगी, गर्ल्स आर स्मार्टर। जी ओ अच्छा, ये थियोरेटिकल एक कैलकुलेशन था जो मैंने पहली मरतबे किया है, आप लोगों को बतलाया नहीं है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के सम्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमने देखा, ये नादिया है स्मार्ट क्वेश्चंस बहुत सीरियसली लेना पड़ता है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस, और ये थियोरेटिकल एक इशू है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे ऐड किया जाता है। तो वो मैंने बतला दिया कि अगर दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिपेंडेंट है, ये बहुत अहम है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया था, कि तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो नॉर्मल्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमेशा वो नॉर्मल होता है, तो ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। और अब हमने ए बी माइनस ए जी लिया, तो इसका जो मीन है वो भी इसी तरह से एक्ट करेगा, यानी इसकी मीन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 560 से प्लस माइनस 560 मीन जीरो हो गई। अच्छा, ये हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि वेरिएंस ऑफ टी शुड बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए बी
प्लस वेरियंस ऑफ ए जी, ये साइन माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता वेरियंस पे, तो अगर सम ऑफ टू वेरिएबल्स हो तो उसका वेरियंस एड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के केस में. तो जब हमने वेरियंस ऑफ पी लिया तो इट इज टू टाइम्स द वेरियंस ऑफ ए बी, सिंपल, क्योंकि दो चीजों को हमने ऐड किया है. तो जब एस डी लेंगे तो स्क्वेयर रूट लेंगे तो स्क्वेयर रूट ऑफ टू टाइम्स द एस डी ऑफ वन ऑफ देम हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गई. अच्छा, जो एक तो तरीका यही है कि हमने इसका 95% कॉन्फिडेंस पे रिजेक्ट कर दिया. आजकल जो ज्यादा पसंदीदा तरीका है वो ये कि पी वैल्यू कैलकुलेट करें. तो पी वैल्यू के लिए ये करते हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसमें हम रिजेक्ट कर देंगे. एक्चुअली ये बाउंड्री पे होता है, यानी जिस पे यानी हम रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें दोनों बराबर है. जब हम बाउंड्री पे ले आएंगे तो लार्जेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है -84 to +84 है. इससे बड़ा होगा तो फिर वो इनसाइड इंटरवल आ जाएगा, और इससे छोटा होगा तो लार्जेस्ट नहीं होगा. तो इसका जो कॉन्फिडेंस वैल्यू है वो हम कहते हैं पी वैल्यू. एक्चुअली पी वैल्यू इज 1 माइनस दैट. मैंने गलत लिखा हुआ यहाँ पे, 98.6 नहीं बल्कि इट्स 1.4% पी वैल्यू, 1 माइनस होती है ये. अच्छा, तो कॉन्फिडेंस लेवल इसका कैसे कैलकुलेट करें? इसकी बस प्रॉबिलिटी CDF है इसका, यानी कि कितनी प्रॉबिलिटी अंदर है. तो नॉर्म डिस्ट जो है वो हमें बतलाता है प्रॉबिलिटी लेस देन इक्वल टू +84, और फिर उससे सब्ट्रैक्ट करनी होगी प्रॉबिलिटी लेस देन इक्वल टू -84. तो ये दोनों कर लेंगे तो इसका हमें इस इंटरवल की कॉन्फिडेंस लेवल पता चल जाएगा. तो वो मैंने एक्सेल में किया, नॉर्म डिस्ट ऑफ 84 का मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ. अब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 0 है उसकी मीन, और 34.4 इसकी SD है, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो ट्रू लिख दिया. तो ये चार पैरामीटर से नॉर्म डिस्ट किया और फिर उसे -84 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 98.6% आ गया. तो पी वैल्यू जो है वो 1 - 98.6% है, जो कि 1.4% है. तो अब हम कहेंगे कि अंडर नल हाइपोथेसिस हमारा प्रिडिक्शन होगा विद 98.6% कॉन्फिडेंस के पी की वैल्यू 84 के ±84 के बीच में होना चाहिए. चूंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू आउटसाइड है इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि हम कहते हैं कि वी रिजेक्ट नल एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल बट नॉट विद 95% कॉन्फिडेंस. यानी हमारा जो ये रिजेक्शन है काफी टेढ़ी किस्म की लॉजिकल प्रोसेस है, और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि हमें कितना कॉन्फिडेंस है नल हाइपोथेसिस में या कितना नहीं है. वो यानी बहुत इनडायरेक्ट एविडेंस है. यानी हमारा रिजेक्शन जो है इट कैन बी फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस. बस ये बड़ा टेढ़ा पॉइंट है इसलिए इसको जाने ही दें. बस ये बात समझने की जरूरत है कि वी कैन नॉट बी 95% कॉन्फिडेंस दैट वी हैव मेड द राइट डिसीजन. इट्स जस्ट कि ये कॉन्फिडेंस लेवल को हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस हाइपोथेसिस टेस्ट, मगर ये नंबर जो है वो डायरेक्टली हमारे कॉन्फिडेंस को नहीं रिफ्लेक्ट करता है इन द डिसीजन. 95% हमारा कॉन्फिडेंस है कि इफ नल हाइपोथेसिस वॉज ट्रू then t would be within these values. ये number measure कर रहा है. बाकी ये कि हमें पता चला कि null hypothesis is not true. तो अब ये not true है, इसकी क्या probability है, इसकी क्या implications, वो हमने explore किए ही नहीं है. वो 95% यानी इस चीज की measure नहीं कर रहा है कि हम कितनी confidence के साथ reject कर रहे हैं, बल्कि it measures something else which is used in the process of arriving at the rejection. अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया बाय अ थ्योरेटिकल मेथड. अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि जो हमारी स्टेटिस्टिक होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होती है, या किया भी जा सकता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. तो अक्सर हमेशा देयर इज अनदर मेथड
which we can use to find out the range of usual values, उसको कहते हैं सिमुलेशन मेथड, और वो हम थोड़ी देर बाद आपको दिखलाएंगे. यहाँ पे मैं उसका मेथडोलॉजी बतलाता हूँ, फिर हम इसको यानी एक्चुअली करके दिखाएंगे. उसका तरीका ये होता है, और ये जनरल तरीका है, कि हम जो स्टेटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं नल में, उसको जनरेट कर दें बाई रैंडम सैम्पलिंग. जनरेट करके उसके कई उसका आई आई डी रैंडम सैम्पल निकाल लें. तो आई आई डी रैंडम सैम्पल निकला, तो एज यू नो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम सैम्पल विल बी अ क्लोज मैच टू द ट्रू पॉपुलेशन, जबकि सैम्पल साइज लार्ज है. तो ये हम सैम्पल का डिस्ट्रीब्यूशन लेके उससे हम वो काम कर लें जो हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहते हैं. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त हमने इत्तेफाक से निकाल लिया टी का, ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल सकते. अगर नहीं निकाल सकते तो हमारा आईआईडी रैंडम सैंपल से हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल ही सकते हैं. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक द ट्रू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज सैंपल. इसलिए हम कह रहा हूँ 1000 निकाल लें ताकि लार्ज सैंपल हो जाए. तो लार्ज सैंपल में वी कैन यू डू एवरीथिंग विद द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी कैन विद द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो वही चीज जो हम पॉपुलेशन से करते हैं थ्योरी में, वही हम सैंपल से करते हैं. That's the idea of the simulation method. अब सेम क्वेश्चन जो हमने अभी किया, आर गर्ल्स स्मार्टर देन बॉयज, इसके हम दो तीन वेरियंट्स दिखलाएंगे, और ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सेम मेथड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. तो अब ये हम एक रियल कॉइन लें और हम कहें कि हम पता चलाना चाहते हैं कि ये कॉइन फेयर है कि नहीं है. दिस इज एक्चुअली यानी क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट जो कैसीनोज में होते हैं अमेरिका में, और वो रूलेट वगैरह खेलते हैं, तो वो एक्चुअली उसको असेस करते रहते हैं कि जो नंबर्स आ रहे हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, कहीं इसमें कोई किंक तो नहीं आ गई, कोई नंबर ज़्यादा आने लग गया है, क्योंकि उससे उनको नुकसान हो सकता है. तो इसी तरह से वो कार्ड्स वगैरह में, तो कॉइन अगर फ्लिप कर रहे हैं तो हम ये पता चलाना चाहते हैं कि ये कॉइन फेयर है कि नहीं है. तो अब हमने इसका एक तरीका ये निकाला कि कॉइन को हमने फ्लिप किया 100 times और काउंट किया कि कितने हेड्स आए, तो 64 हेड्स आ गए फर्ज करें. अब हम ये 64 50 से बहुत ज़्यादा है, मगर इज इट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट? क्या हम ये कह दें कि ये कॉइन तो बायस है हेड की तरफ, या ये चांस से हो गया है, थोड़े से ज्यादा है? तो ये इशू है. ये इशू एग्जैक्टली द सेम है एज द गर्ल्स स्मार्टर देन बॉयज, एज यू विल सी. तो इसमें ये है कि हमारी नल हाइपोथेसिस ये है कि कॉइन फेयर है. तो एच नंबर ऑफ हेड्स जो है वो बाइनोमियल है विद प्रॉबिलिटी विद 100 ट्रायल्स टोटल और 50% सक्सेस प्रॉबिलिटी. तो चूंकि हमारे पास हमारी जो अभी मैं असल में इसको इनफॉर्मली कर रहा हूँ टू मैच जो हमने पहले किया, फिर हम लोग इसको उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने गर्ल्स बॉयज का किया था. तो अब इसकी रेंज ऑफ यूजुअल वैल्यूज क्या है, मैंने ये बाइनोम डिस्ट की वैल्यूज निकाली हुई है यहाँ पे. तो हमें नजर आता है कि 34 पे 1 in 1000 हो जाती है, यानी लेस देन और इक्वल टू 34 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1 in 1000 है. उससे कम तो 1 in 1000 से भी कम है, 3 digits तक 0 है, 34 35. तो जो यूजुअल वैल्यूज हैं वो मैंने बतलाया आप लोगों को कि नॉर्मली हम लोग 95% इंटरवल लेते हैं. तो इसके मानी कि 2.5% फ्रॉम द बॉटम निकाल देनी चाहिए. तो 2.5% कहाँ पे आ रहा है, हाँ बिल्कुल 46 और 47 के बीच में आ रहा है. नहीं नहीं सॉरी, वो तो 24%, हाँ 39 और 40 के बीच में 2.5% है. तो बेसिकली 40 को हम शामिल कर लेंगे और 39 को एक्सक्लूड कर देंगे. तो आगे ऊपर 97.5 कहाँ पे आ रहा है, 59 और 60 के बीच में. तो बेसिकली वी कैन से कि फ्रॉम 40 टू 60 जो है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है. तो 64 इससे बाहर है. इससे पता चला कि ये यूजुअल वैल्यू नहीं है,
इससे पता चला कि अगर 64 हेड्स आ जाएं तो हमें शुबे में पड़ जाना चाहिए कि ये कॉइन फेयर है कि नहीं है, क्योंकि ये जरा सा ज्यादा ही है, एक्सेसिव हेड्स है. तो वी विल हैव सम डाउट ऑन द नल हाइपोथेसिस. इसको हम अगर उस मेथोडोलॉजी से करें जो मैंने आपको सिखलाई है, तो हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक बनानी पड़ेगी. टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी? हमारी डिस्क्रेपेंसी की मेजर एच माइनस 50 सही है, क्योंकि 50 जो है वो बिल्कुल ही यानी फेयर कॉइन का मेजर है. तो जितना एच 50 से दूर होगा उतना हमारा ज्यादा शुबा होगा ऑन द नल हाइपोथेसिस. तो एच माइनस 50 इज द मेजर ऑफ डिस्क्रेपेंसी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रेपेंसी को कई तरह से मेजर किया जा सकता है. ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे एक ही लॉजिकल सिंपल तरीका है. बस यहाँ पे भी h माइनस 50 स्क्वेयर्ड भी देख सकते हैं, दैट माइट बी अ बेटर थिंग टू डू. मगर जनरली स्पीकिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मगर जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसमें डिस्क्रेपेंसी की कई मेजर्स होती हैं, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी बहुत सारी हो जाती हैं. तो h माइनस 50 जो है वो थोड़ा सा यानी प्रॉब्लम स्पेसिफिक है कि 100 ट्रायल्स हमने लिए हैं. तो वो उसके बजाय अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स माइनस नल हाइपोथेसिस प्रोपोर्शन ले ले तो ये ज्यादा जनरल हो जाता है, क्योंकि फिर 100 ट्रायल्स की जरूरत नहीं है फिर जितने भी हो. और इसी तरह से 50% की जरूरत नहीं है, जितने भी जो भी परसेंटेज नल हाइपोथेसिस का सब चीज उसमें चलती है. तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक इस्तेमाल की जाती है वो ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शन एच ओवर 100 माइनस थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन 50%. ये है हमारी डिस्क्रेपेंसी. तो जो हमारा एच ओवर 100 है, अब तो ये हो गई हमारी डिस्क्रेपेंसी. अब जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है कि इसका नल हाइपोथेसिस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो निकाल लें. तो एच ओवर 100 जो है वो एवरेज है H1 टू H100 का, सही है ना? क्योंकि H1 जो है वो 1 या 0 है, सारे 1 एंड 0 से. तो इफ यू टेक द टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ दोस, सो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ हेड्स डिवाइड बाय 100, सो दैट विल बी द एवरेज. तो बेसिकली वो बाइनोमियल का एवरेज जो है वो प्रोपोर्शन है एच ओवर 100 का. अब चूंकि ये एवरेज है तो इस पे वही रूल अप्लाई करता है जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है, कि इसकी जो नल हाइपोथेसिस में मीन है वो है 50% सेम एज एनी वन ऑफ देम. यानी H1 की जो मीन है वो 50% है, तो एवरेज की भी मीन 50% है. अच्छा, इसका जो SD होगा वो है SD ऑफ एनी वन ऑफ देम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n. तो हमने कैलकुलेट किया है कि SD ऑफ H1 इज p टाइम्स 1 माइनस p. SD नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस है p टाइम्स 1 माइनस p. तो वेरियंस इसका हो जाएगा p टाइम्स 1 माइनस p ओवर n. SD होगा स्क्वायर रूट ऑफ p टाइम्स 1 माइनस p डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ n. इसको हमने कैलकुलेट कर लिया SD को. स्क्वायर रूट ऑफ हाफ टाइम्स हाफ जो है वो तो हाफ हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो 10 हो गया. तो हाफ को 10 से डिवाइड किया तो 0.05 आ गया. 0.05 क्या होता है? 5%. यानी 5% जो है वो SD है. और T का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरियंस 0.05 स्क्वेयर्ड. तो T का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो प्लस और माइनस 10% है. यानी कि 10% डिविएशन तक अलाउड है 95% कॉन्फिडेंस के साथ. तो यानी अगर हम 50% के गिर्द कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए तो 40% टू 60% होगा. एग्जैक्टली सेम जो नंबर आए थे हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से. और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताए तो वो 2.6 स्टैंडर्ड डिविएशन होगा. 2.6 टाइम्स 0.05 ये तकरीबन 14% आता है. तो 14% है 36% टू ये नहीं 13% आता है शायद. हाँ, तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमारा 63 से लेकर 57 तक होता है.
तो 99% कॉन्फिडेंस पे भी हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस, क्योंकि 64 इज आउटसाइड द 99%, और पी वैल्यू जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी है 36 और 64 के बीच में होने की, दैट्स द लार्जेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल व्हिच एक्सक्लूड्स टी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो उसी तरह से सॉल्व होता है जिस तरह से वो बॉयज एंड गर्ल्स का हुआ। अब एक और प्रॉब्लम इसी तरह का देखते हैं। ये मेरे पास किसी जमाने में डेटा था मगर आज मैं ढूंढ नहीं सका इसको, कि उसने ला के दिया था मुझे जायद अस्कर ने। इज आफरीदी बेटर बैट्समैन देन शोएब? अब मैंने एक रोज बड़ा हैरान हुआ कि वो मेरी बेटी मुझे बतला रही थी कि क्रिकेट क्या स्कोर है, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, लड़कियों का तो क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं। उसने कहा कि I have cousins, तो पता चला कि लड़कियों को भी क्रिकेट से शौक होता है और मालूमात होती है, as long as they have cousins या brothers तो फिर उनको मजबूर क्रिकेट की मालूमात हासिल करनी होती है। तो इसलिए मैंने कहा, वरना मैं लड़कियों के कोई और, जब मैंने डेटा एनालिसिस करवाई थी तो डायमंड्स में मैंने करवाई थी, फिर वो लड़कियों ने उसमें काफ़ी अच्छा किया था, तो डायमंड प्राइसेस के क्या रिग्रेशन है वो अभी आ गया थोड़ी। तो यहाँ पे खैर हमने कहा कि जब मुझे पता चला कि अच्छा लड़कियों के भी क्रिकेट के बारे में मालूम आ सकते हैं, मैंने कहा चलो यहाँ चला सकते हैं। तो आफरीदी बेटर बैट्समैन देन शोएब? अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, आर गर्ल्स स्मार्टर देन बॉयज? तो A1, A2, AN जो है वो हमारी रन्स पर ओवर का रिकॉर्ड ले लिया हमने उसके किसी मैच में या कई मैचेस में उसके रन्स पर ओवर कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह से S1, S2 टू SM जो है रन्स पर, दोनों के डिफरेंट मैचेस हो सकते हैं, सेम नहीं है, यानी उसने 100 मैचेस खेले हैं, उसने 107 खेले हैं या अलग अलग हैं, डजंट रियली मैटर, ये N और M सेम होना जरूरी नहीं है। अच्छा, रन पर ओवर के बजाय हम नंबर ऑफ सिक्सेस भी देख सकते हैं कि कितने उसने छक्के लगाए, तो वी कैन से कि इज ही बेटर एट हिटिंग सिक्सेस। सारे क्वेश्चन एक ही तरह से हैंडल होते हैं। अच्छा, तो इसका क्या तरीका है, हम इसकी मीन कैलकुलेट कर लेंगे जो उसका एक्चुअल डेटा है कि उसका एवरेज रन पर ओवर क्या है, और फिर हम उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैंने दोनों जगह स्टार लगा रखे हैं कि ये एक्चुअल नंबर्स होंगे, स्टार जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होते हैं। अब हम इसके पीछे एक मॉडल चस्पा करेंगे। यहाँ पे मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी जब तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि वही नंबर्स हैं उसी को हम एक कैलकुलेशन में कहते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल है, एक कैलकुलेशन में कहते हैं कि ये फिक्स नंबर है, तो इन दोनों को साथ कैसे चला सकते हैं, समझ में नहीं आता था, मगर इसी तरह से होता है। बात यह है कि असल में हम एक तरफ तो रिकॉर्ड देख रहे हैं जो एक्चुअल नंबर्स हैं, इसकी इतनी रन पर ओवर थी 5.7 पहले मैच में, 4.3 दूसरे मैच में, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। फिर हमारे जहन में एक मॉडल है वो A1 क्वेश्चन मार्क, कि एक रैंडम वेरिएबल है वो उसकी एक्चुअल रन नहीं है, अब वो कुछ भी हो सकती थी रन अकॉर्डिंग टू सम थ्योरेटिकल पॉपुलेशन जो हमारे जहन में है। तो फिर ये जो A1 क्वेश्चन मार्क टू AN क्वेश्चन मार्क है, ये उसकी रैंडम रन्स हैं जो हमें पता नहीं क्या है, अगर फिर से खेले तो शायद कुछ और नंबर्स आ जाएं, तो वो IID हैं फ्रॉम सम अननोन डिस्ट्रीब्यूशन। इस बार हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये रन्स पर ओवर जो हैं ये नॉर्मल नहीं होंगी, मगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी और उसका एक स्टैंडर्ड एरर होगा। ये रैंडम वेरिएबल है हमारा मेंटल, तो मेंटल रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी होती है और स्टैंडर्ड एरर भी होता है। अब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमें नहीं पता, मगर हमारे पास ये एन ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी हम सैम्पल मीन तो निकाल सकते हैं। सैम्पल मीन जो है वो एम कह लें, तो एम जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेशन होगा टू दिस थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। और इसी तरह से स्टैंडर्ड एरर ऑफ रैंडम वेरिएबल ये हम पता नहीं कर सकते क्योंकि वो जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन है वो हमारे सामने है नहीं, वो हमारे सिर्फ जहन में एग्जिस्ट करता है, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर जो रैंडम जो हमारे पास डेटा है रन्स पर ओवर का, उसका SD हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नंबर्स हैं, उसका SD हम कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट करेगा उस मेंटल पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड एरर को। तो ये हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे, ये नंबर्स होंगे फिजिकल रिटन डाउन, M भी नंबर है हमारे पास, SDA
यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ आफरीदी और एम ए मीन ऑफ आफरीदी, ये दोनों नंबर्स आ गए। तो अब जो एवरेज है वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, चाहे हमारा जो इंडिविजुअल वेरिएबल है वो नॉर्मल ना भी हो, मगर जो एवरेज है एन ओ एन मैचेस का वो नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल होगा, उसकी मीन एम होगी जो हमने कैलकुलेट कर ली है, और उसका एस डी जो है वो होगा एस डी ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, जो कि एन ऑफ नंबर ऑफ मैचेस है। तो हमारे पास फिर ये हमारा सेटअप हो जाएगा। आफरीदी का जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है विद मीन एम ए एंड वेरियंस एस डी ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर्ड। शोएब का जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है विद मीन एस ए और वेरियंस एस डी एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर्ड। अब हमने अपना डिस्क्रेपेंसी निकाली, वो ए क्वेश्चन मार्क माइनस एस क्वेश्चन मार्क, यानी जो ऑब्जर्व्ड एवरेज है उसकी, उसका जो थ्योरेटिकल रैंडम वेरिएबल उसके पीछे है जो मॉडल में है, उन दोनों का डिफरेंस। तो अंडर नल हाइपोथेसिस एम ए इक्वल, ऐसे दोनों इक्विवेलेंट पैटर्न्स हैं, और वेरिएंस जो है वो टी का इट इज द सम ऑफ द टू वेरिएंसेस, ये दोनों वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एसडीए हमने कैलकुलेट किया डेटा से, एन हमारे पास है नंबर ऑफ मैचेस, इसी तरह से एसडीएस हमने उसके शोएब के जो स्कोर्स थे उसके डेटा से हमने कैलकुलेट किए, उसको स्क्वायर रूट ऑफ एम से डिवाइड कर दिया उसके मैचेस से। तो ये दोनों वेरिएंसेस हैं हमारे पास, दोनों वेरिएंसेस को ऐड कर दो तो हमारे पास टी का वेरिएंस निकल आएगा। अंडर नल हाइपोथेसिस टी की मीन जीरो है क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, वेरिएंसेस का सम ऑफ द वेरिएंसेस है, तो हम दोनों वेरिएंसेस को ऐड कर दें और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास एस डी आ जाएगा। तो अब एस डी हमने कैलकुलेट कर लिया तो रेंज ऑफ यूजुअल वैल्यूज पता चल गई, माइनस टू एस डी टू प्लस टू एस डी। अब हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखेंगे क्या डिफरेंस था एक्चुअली, अगर वो डिफरेंस विद इन दिस रेंज है तो हम कहेंगे कि दोनों बराबर हैं, अगर आउटसाइड दिस रेंज है तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, दोनों बराबर नहीं है, आफरीदी इज बेटर या शोएब इज बेटर डिपेंडिंग ऑन किस साइड पे है। तो ये यानी इज दिस अ रियल क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे है एक इशू के यानी दो बैटल्स हैं उनमें हम देखते हैं कि एक आदमी की रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, तो ये क्वेश्चन अराइज करता है कि ये डिफरेंस जो है ये एबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है या ये लक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स के स्कोर्स में अगर डिफरेंस आए, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया एग्जाम में, दूसरे ने कम स्कोर किया, तो हो सकता है कि ये एबिलिटी की वजह से हो सकता है कि ये बाई चांस हो, ये रियल क्वेश्चन है। और इसमें जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ इससे पता चलता है, और मगर एग्जैक्टली क्या पता चलता है क्या नहीं ये काफी टेढ़ा क्वेश्चन है इसके बारे में, चूंकि हमने काफी सारे असम्पशंस किए हुए, वो असम्पशंस कभी कभी मैच भी कर जाते हैं, चुनांचे जो हमारे कैलकुलेशन है वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है, मगर एग्जैक्टली क्या चीज है यानी हमें फैक्ट्स क्या बता रहे हैं हमारे असम्पशंस के, असम्पशंस कितना इसमें हिस्सा प्ले करें, नोबडी नोज एक्चुअली। आजकल ये कैलकुलेशन हम करते रहते हैं और इससे हम नतीजे निकालते रहते हैं, मगर कितने रिलायबल हैं इसका कोई कोई कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे अब हम ब्रेक कर लेते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें फिर एक्सेल डेमोंस्ट्रेशन करेंगे इन सब चीजों के और रेंज ऑफ यूजुअल वैल्यूज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हम रेंज ऑफ यूजुअल वैल्यूज बाय सिमुलेशन, इसमें हमारा मकसद होगा करना कि अब फर्ज करें हम ये सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो डायरेक्टली सिमुलेशन से आता है कि कितने नंबर ऑफ हेड्स होने चाहिए कि हम ये डिसाइड करें कि ये अनयूजुअल है। अगर हम एक कॉइन को 100 बार फ्लिप करते हैं तो ऑब्वियसली 50 जो आ गया तो हम कहेंगे कि फेयर कॉइन है, 51 आ गया तो भी हम कहेंगे फेयर कॉइन है,
और अगर 100 रह जाए तो हम अनफेयर है, तो बाउंड्री लाइन कहाँ पे होनी चाहिए, ये इश्यू है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम बहुत बार ये 100 फ्लिप्स करते हैं तो देख लेंगे, हमें नजर आ जाएगा कि क्या यूजुअल वेरिएशन है रेंज का। तो उसका तरीका ये है कि हम सिमुलेशन करते हैं बाइनोमियल का, और हम लोग 100 कॉइन्स को फ्लिप करेंगे 1000 टाइम्स, यानी एवरी सेल विल बी, यानी A1 में हम डालेंगे आउटकम ऑफ फर्स्ट 100 ट्रायल्स कि कितने हेड्स आए पहली बार, फिर हम इसको दूसरी बार करेंगे। अब ये एक्चुअली हमारे लिए इसलिए पॉसिबल है कि हम, हमारे पास कंप्यूटर है, वरना जब मैं आप लोगों की तरह से पढ़ रहा था तो हमारे टीचर बेचारा वो उसने कॉइन उठाई और उसको फ्लिप किया और उसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि उस वक्त जो है वो ये सब हो नहीं सकता था। अब हम क्या करें, 100,000 कॉइन्स फ्लिप करेंगे हम एक मिनट में। तो इसलिए जो है ये दिस इज़ वेरी पावरफुल मेथड, ये पहले अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये जो मेथडोलॉजी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये और कहीं है नहीं, क्योंकि लोगों ने जो पुरानी चली आ रही है वो थ्योरी से की है, और ये जो है ये प्योरली कंप्यूटर बेस्ड है। तो लोगों ने कंप्यूटर को इस्तेमाल तो करना शुरू कर दिया है, मगर थिंक फ्रॉम यानी स्टार्ट फ्रॉम कंप्यूटर ये अभी लोगों ने किया नहीं है, आए नहीं है, क्योंकि आ रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये एक ऐसी मेथडोलॉजी है पहले अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल हुई है। तो अब इसमें हम डेटा एनालिसिस में चले गए, रैंडम नंबर जनरेशन में, वन वेरिएबल और इसको 1000 टाइम्स हमने जनरेट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया बाइनोमियल, और पी वैल्यू है हमारी 0.5, नंबर ऑफ ट्रायल्स 100, ठीक है, और आउटपुट रेंज हमने कर दिया A1। यहां तक पहुंच गए लोग, अब इसको ओके कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो पहली बार जब हमने फ्लिप किया था तो आए थे 53, दूसरी बार 39, इस तरह से नंबर ऑफ हेड्स चले आ रहे हैं। तो इसको एग्जामिन करने से हमें पता चल जाएगा कि रेंज ऑफ यूजुअल वैल्यूज क्या है। अब इसको ऐसा करें कि पहले इसको ये तो नंबर्स है ना, ये फिक्स है ना, चेंज नहीं कर रहे, हाँ ये तो फिक्स नंबर्स हैं, तो इसको सॉर्ट कर देते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेटा सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर कॉलम ए, ये हो गया हमारा सॉर्ट। तो 1000 ट्रायल में जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो 36 है, तो यानी अगर हम हेड्स फ्लिप करें और हमारे पास 30 हेड्स आए तो हम कहेंगे ये तो बिल्कुल ही अनयूजुअल है, 1000 टाइम्स कर ले आदमी तो भी ऐसा नहीं आएगा, तो इसके मानी के 30 पे रिजेक्ट कर देना चाहिए। मगर नॉर्मली हम इतना एक्सट्रीम नहीं कहते कि 1000 में कभी भी नहीं आए, क्योंकि अगर हम इतना एक्सट्रीम डिमांड करें तो हम कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकेंगे। ये वही 100% के करीब वाला मसला है कि अगर हम 100% सर्टिनिटी चाहते हैं अपने इन्फ्लुएंस में तो फिर कुछ नहीं कह सकेंगे। तो हम 95% सर्टिनिटी चाहते हैं। तो चूंकि हमारे पास 1000 ट्रायल्स हैं तो उसमें से 5% कितना होता है, 50 ट्रायल्स, ठीक है ना। तो बॉटम 25 जो है वो 2.5% है और टॉप 25 टॉप 2.5% है। तो अगर हम यहां पे चले जाएं 25th ट्रायल पे तो यहां पे देखें 39 और 40 नजर आ रहा है, ये काफी एग्जैक्ट मैच आ रहा है थ्योरी से, ऐसा होता नहीं है हमेशा, जो रैंडम सिमुलेशन है उससे थोड़ा बहुत, क्योंकि रैंडम होता है ये खुद, ये रैंडम सैंपल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और रैंडम सैंपल की जो CDF है वो सेम नहीं होता है थ्योरेटिकल से, जो हम चाह रहे हैं वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल अवेलेबल ना हो, इसमें है अवेलेबल क्योंकि हमारे पास बाइनोम डिस्क है, मगर अक्सर बेशतर नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास यही है। तो इसमें हम कहेंगे कि टॉप 25 ट्रायल्स जो है वो तो अनयूजुअल वैल्यूज हैं, तो 26 से जो यूजुअल वैल्यू शुरू होती है, इसके मानी 40 इज यूजुअल वैल्यू और इससे कम जो है वो अनयूजुअल है। अब हम ऊपर चले जाएं, कहां तक जाना होगा, 975 या 6,
ये आ गया हमारे पास 975, ये भी 60 है. तो एक्चुअली हमारे जो एम्पिरिकल CDF है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है टू द थ्योरेटिकल. हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया कि 40 से लेकर 60 तक रेंज ऑफ यूजुअल वैल्यूज है, और यही रिजल्ट हमें अपना ये एम्पिरिकल ये सिमुलेशन से यही रिजल्ट आ रही है हमें. ये इत्तफाक है, यानी सिमुलेशन से थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, इस बार नहीं हुआ. और ये देखें 65, तो इसके मानी के बेसिकली से लेकर 65 तक हमारी यानी 1000 में रेंज है. तो अगर 65 से ज्यादा हो तो फिर हम कहेंगे कि तो बिल्कुल ही गॉन केस है, यानी डेफिनेटली बायस कॉइन है. क्योंकि 1000 टाइम्स भी हम करते हैं तो फिर इतनी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आती है. अच्छा, 99% कैसे इंटरवल इसमें डिटरमिन करेंगे, कौन बतला सकता है? 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है इसमें? हाँ, 99% के मानी कितना छोड़ना है हमें? 1% छोड़ना है. 1% में कितने ऑब्जर्वेशन छोड़ने हैं? 10 ऑब्जर्वेशन छोड़ने. तो टॉप में से कितने छोड़ेंगे? 5 छोड़ेंगे, हाफ ऑफ देम. तो कहां पे आएगी हमारी 38, 5 और 6 के बीच में 38 है. और इसी तरह से 5 एंड से छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 995 पे 63 आ रहा है. तो 38 से 63 तक हमारी 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है. अगेन दिस मैचेस वो हमने जो थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया था. 37 टू 63 आता है वो. तो 64 जो है वो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रिजेक्ट हो जाता है. अच्छा, इसी डेटा से हम पी वैल्यू भी निकाल सकते हैं. पी वैल्यू जो है वो फिर से वही चीज है कि कौन सा बिगेस्ट इंटरवल है जो हमें रिजेक्ट नहीं करता. तो ये 64 अगर वैल्यू है तो हम 63 तक जा सकते हैं. 63 इज 13 अबव, तो हमें 13 बिलो भी जाना होगा. या फिर यूं हम कर सकते हैं कि ये दो पॉइंट हमने यहां से छोड़े हैं, दो पॉइंट पीछे से छोड़ेंगे, तो बेसिकली 4 out of 1000 हमारी पी वैल्यू होगी. 4 out of 1000 0.004. तो पी वैल्यू इसकी बनी 004. कितनी वैल्यूज हम छोड़ेंगे ताकि 64 हमारा रिजेक्ट हो जाए? तो अगर हम टोटल 4 वैल्यूज छोड़ रहे हैं तो 64 रिजेक्ट हो जाएगा. तो दैट्स द पी वैल्यू, 4 out of 1000. अच्छा, इसी तरह से हम सेट स्कोर्स का बना सकते हैं कि ट्वेंटी फोर स्कोर्स. ठीक है, मैं ये करता हूं ऐसे कि देखें, असल में जो सिमुलेशन है ना वो नल हाइपोथेसिस में होते हैं, उसके लिए एक्चुअल डेटा नहीं चाहिए होता है. एक्चुअल डेटा हमें उसलिए चाहिए होता है कि नल हाइपोथेसिस में क्या वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करें. हमने कैलकुलेट कर ली कि मीन वैल्यू ऑफ, अगर सेट स्कोर्स पे के एग्जांपल कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मीन वैल्यू 567 थी बॉयज एंड गर्ल्स की, और SD जो है वो 84 था. तो इस बेसिस पे हम रैंडम सैंपल अंडर नल हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं. तो इसको मैं ये कहता हूँ कि डेटा एनालिसिस करते हैं, रैंडम नंबर जनरेशन. अब हम 24 स्कोर्स जनरेट करेंगे. नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स 24, 1000 फिर से जनरेट करते हैं. ये 1000 मैं ऐसे ही चूज कर रहा हूँ लार्ज सैंपल के लिए. 1000 के बजाय 2000 हो सकता है, 4000 हो सकता है,
500 हो सकता है, जितना चाहे, लार्ज सैंपल चाहिए हमें. अच्छा 1000 कर दिया मैंने यहाँ पे, बाइनोमियल के बजाय अब हमें नॉर्मल चाहिए. मीन हमें 567 चाहिए और एसडी 84 चाहिए और आउटपुट रेंज इस बार मैं यहां पे बी सी डी तीन कॉलम्स खाली छोड़ दे क्योंकि इसमें मैं कैलकुलेशंस करूंगा. तो E1 से हम ले लेते हैं अपना रैंडम सैंपल. सोच रहा है एक्सेल, सोच में पड़ गया बेचारा. क्या सोच चुका? वेरी गुड, हमारा भी आ गया. अब इसमें देखें ये स्कोर्स हैं अंडर द नल हाइपोथेसिस के बॉयज और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है. हम कहेंगे कि अच्छा फर्स्ट 12 जो है वो बॉयज स्कोर्स हैं और जो लास्ट 12 है गर्ल्स स्कोर है. अंडर द नल हाइपोथेसिस कोई डिफरेंस नहीं है. तो अब हम यहाँ पे सी में बॉयज एवरेज निकाल लेते हैं. तो दिस इक्वल्स एवरेज ऑफ E1 टू एफ जी एच, ये गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पी तक जाएगा ये, समझ गया ना. तो E1 टू P1 ये हमारा बॉयज स्कोर का एवरेज आ गया 561. अब हम गर्ल्स स्कोर का एवरेज निकाल लें. तो इक्वल्स एवरेज, उप्स ये क्या हो गया, अच्छा इक्वल्स एवरेज अब ये इसको मैं इंडिकेट करके बतलाता हूं. ये क्यू से शुरू होगा गर्ल स्कोर और ये एंड तक जाएंगे जहां तक कि हमें ये आ गया Q1 टू AB1. अब ये सी में, कॉलम सी में हमारे पास बॉयज एवरेज है और कॉलम डी में गर्ल्स एवरेज है. अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनका क्या डिफरेंस है. तो यहां पे हम डिफरेंस निकाल दें बॉयज माइनस गर्ल्स या गर्ल्स माइनस बॉयज, इट डजंट रियली मैटर क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है. तो C1 माइनस D1 ये डिफरेंस है 6.8. इसको जरा मैं वो कर दूं, डेसिमल्स कम कर दूं. हाँ माइनस हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, जो भी, यानी कभी बॉयज आउट परफॉर्म कर जाएंगे कभी गर्ल्स. तो यहां पे देखा हमने कि 6.8 डिफरेंस आया. अच्छा अब मैं इस तीनों सेल्स को कॉपी करना चाहता हूं. क्या अच्छा इसको स्क्रॉल कर देते ना. हाँ ठीक है, अब इन तीनों सेल्स को हाईलाइट किया और इसके कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दें तो ये 1000 जगह पे इसको कॉपी कर देगा तीनों को. ये देखें तो अब ये 1000 बार हमने इस सिमुलेशन को रन किया कि बॉयज एवरेज स्कोर निकाला अंडर नल और गर्ल्स एवरेज, उन दोनों का डिफरेंस देख लिया. तो यहां पे एक बार सेकेंड टाइम -65 आ गया. इससे पता चला कि 65 जो है बहुत अनयूजुअल नहीं है क्योंकि फॉरेन ही नजर आ गया. तो अगर हमें यानी 65 पॉइंट्स का डिफरेंस होता तो हम कहते कि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसके मानी के डिफरेंस है. मगर इस सिमुलेशन से हमें फॉरेन पता चल गया कि 65 कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, यानी इट्स इट कैन बी सीन. यहाँ पे हमने अपने हाथ से जनरेट किया है, इक्वल है गर्ल्स एंड बॉयज, मगर इतना बड़ा डिफरेंस आ गया बाई चांस. तो इससे ये स्टेटिस्टिकल लॉजिक है, ये नॉर्मल लॉजिक नहीं है और यानी आम आदमी को आसानी से समझ में नहीं आती है. ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ दिस कोर्स है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये स्टेटिस्टिकल लॉजिक कैसे काम करती है.
तो हमें पता चला ये कि ये अनयूजुअल वैल्यू नहीं है, हमने देख लिया इसको, इसे देखने से हमें पता चल गया कि अनयूजुअल नहीं है। तो अगर अनयूजुअल डिफरेंस है तब हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस पे कुछ शक है, अगर यूजुअल है तो हम कहेंगे कि ठीक है कोई मसला नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स आर बेसिकली इक्वल, मगर बाय चांस इस बार 65 आ गया है डिफरेंस। तो अब ये जो डिफरेंसेस हैं इसको हम सॉर्ट कर दें तो हमें पता चलेगा ये 1000 डिफरेंसेस हैं, इसको अब हम टूल्स में जाएंगे, नहीं डेटा में जाएंगे और सॉर्ट कर देंगे, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, अलग कर सकते हैं, चलो एक्सपेंड कर दें, नहीं कंटिन्यू कर देते हैं, सॉर्ट बाय कॉलम बी। ओके क्या हो गया? अच्छा ये चूंकि फॉर्मूलाज है ना, वो फॉर्मूलाज को नहीं सॉर्ट करता है, ये नंबर्स नहीं है एक्चुअली, भाई मैं भूल गया था, इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर दें एक कॉलम, अब इसको हम कॉपी कर लें, एडिट कॉपी, उसके बाद ये बी में आए तो हम पेस्ट स्पेशल करेंगे इसको, हाँ डिफरेंसेस को पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज ओनली, ये हमारी वैल्यूज हो गई, अब इसको सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि सी में एक्चुअली नंबर्स नहीं है, एक्चुअली फॉर्मूलाज हैं, तो ये फॉर्मूलाज को नहीं सॉर्ट करता है। तो अब हम गए टूल्स में, नहीं डेटा में, और सॉर्ट कहा और कंटिन्यू कर दिया सॉर्ट, अब ये सॉर्ट हो गया। तो हमें यानी जो वर्स्ट केस डिफरेंस है 115 है, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस दैट वाज ऑब्जर्व। अगर हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना चाहते हैं तो कहां तक जाना होगा? ये हमारा सैंपल है 1000 साइज का, तो 5% जो है 50 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 25 फ्रॉम द टॉप जो है वो अनयूजुअल है, 25 फ्रॉम द बॉटम अनयूजुअल है, तो ये 26th ऑब्जर्वेशन -70 है, -70.6 से अगर ज्यादा डिफरेंस हो तो हम कहेंगे कि ये अनयूजुअल है। तो हमारा डिफरेंस जो ऑब्जर्व था वो 84 था, -84 था एक्चुअली, क्योंकि ये हम बॉयज माइनस गर्ल्स कर रहे हैं, तो वो अनयूजुअल है। जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल यहां से बनता है 95%, वो -70 से शुरू हो रहा है, मैंने कहा था -68.8, तो थोड़ा सा फर्क है, मामूली फर्क है एक्चुअली, क्योंकि ये रैंडम सैंपल है वो थियोरेटिकल है। अच्छा ये तो हो गया -70 बॉटम पे, और इसको अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो 976 तक जाना होगा, उप्स ये यहाँ पे 71 है एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, दोनों नंबर्स को एक होना चाहिए, मगर क्योंकि ये रैंडम सैंपल है इसलिए सिमेट्री की शर्त नहीं है, तो बेसिकली बिटवीन 69 एंड 71 इज अबाउट 70, दैट्स द अपर 2.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 84 अगर वैल्यू हो तो उसकी पी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 989 पे ये रिजेक्ट हो रहा है, तो लार्जेस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 988 तक जाता है। कितने नंबर यहाँ से एक्सक्लूड हो रहे हैं? 1, 2, 12 नंबर्स यहाँ पे, ठीक है ना, 12 नंबर्स नीचे और 12 ऊपर से भी हमें एक्सक्लूड करने होंगे, तो 12, 12, 24 आउट ऑफ 1000 हमारी पी वैल्यू हो गई, यानी 0.024 हमारी पी वैल्यू हो गई। कितने नंबर्स एक्सक्लूड करेंगे ताकि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो छट जाए, आउटसाइड ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाए, दैट्स द पी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। थोड़ा सा वक्त बाकी है तो हम अफरीदी वाला भी कर लें। अब अफरीदी का डेटा, चूंकि मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, मैं इन्वेंट कर देता हूं,
ऐसा करते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स डेटा एनालिसिस, रैंडम जनरेशन, चले हम हैं शोएब अफरीदी ने, हाँ ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, अच्छा मैं नल हाइपोथेसिस में नहीं, अच्छा चलो ठीक है नल हाइपोथेसिस में रख लो, दैट विल बी इजियर एंड क्विकर. नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, 50 मैचेस दोनों को खिलवा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्क्रीट रखते हैं, क्या हो गया, अच्छा डिस्क्रीट रहने दो, यूनिफॉर्म रखते हैं, कितनी रन्स पर ओवर होती हैं, 0 and 6 है, 6 के बीच में रहती हैं, 0 and 6 से ज़्यादा तो नहीं होती ना, उससे भी ज़्यादा करते हैं, 36 है नहीं, रन्स पर ओवर एवरेज इन अ मैच तो बहुत यानी इतने ज़्यादा नहीं होते, 6 सही है, 250 यूनिफॉर्म बिटवीन 0 and 6, आउटपुट रेंज अच्छा A1 कर देते हैं इसको, मैं जनरेट कर दिया और इसको जरा सेल्स में अच्छा, तो ये मैंने डेटा हो गया, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ये क्या कह रहे हैं, पहले मैच में शोएब ने 2.1 रन्स पर ओवर एवरेज की, दूसरे और वो उसने क्या नाम है शकीब अरसलान ने नहीं क्या आफरीदी ने 3.3 किया, तो शकीब अरसलान कौन है, अच्छा हाँ सीआर है, अच्छा ये दूसरे मैच में ये हमारे आफरीदी ने 2.9 किया और शोएब ने 5.1 किया, क्या फॉर्मेट, ओ अच्छा वो ऊपर से फॉर्मेट सेल्स क्या हुआ, इसी पे राइट क्लिक करने से आ जाता है, अच्छा फॉर्मेट सेल्स, इसमें ये नंबर पे गए और उसको डेसिमल प्लेसेस 1 बतला दिया ताकि, तो इसी तरह से हमने ये आर्टिफिशियल डेटा है कि ये हमारे पास आ गया डेटा, अब हमने इसमें पहले इनका एवरेज कैलकुलेट किया, ये 50 मैचेस में हर मैच में अलग अलग उन लोग ने रन स्कोर की, कभी कुछ कभी कुछ, तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि कौन बेहतर प्लेयर है, तो इक्वल्स एवरेज, पहले तो दोनों का एवरेज देख लें, A1 to A50, तो ये एवरेज 3.1 इसका आया, उप्स ये मैंने गलत कर दिया, ये 3.1 शोएब का था और 3.2 आफरीदी का था, आफरीदी का स्लाइटली हायर है इसमें, यानी हमें ऐसे ही देखने से अंदाजा हो रहा है कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, और इसकी वजह ये है कि हमने अंडर नल हाइपोथेसिस जनरेट किया है, ये रियल डेटा है नहीं, क्या हुआ सेम आ गया, हाँ तो क्योंकि ये अंडर नल जनरेटेड है इसलिए करीब करीब आना जो है वो कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, तो एक्चुअल डेटा होता तो हो सकता है कि कोई ज्यादा डिफरेंस होता और फिर हम कहते हैं कि इज इट ड्यू टू चांस और इज इट ड्यू टू स्किल, तो अब उसमें यही सेम स्ट्रेटजी है कि हम यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रन करके हम ये असेस करेंगे कि इज दिस डिफरेंस विद इन द रेंज ऑफ यूजुअल वेरिएशन अंडर द नल हाइपोथेसिस,
अगर इक्विवेलेंट है तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने में आता है कि नहीं आता है? अगर देखने में नहीं आता है तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस में तो इतना बड़ा डिफरेंस हो नहीं सकता था, इसके मानी कि दिस इज ड्यू टू स्किल। और अगर आता है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ बाई चांस इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है, इवन इफ द प्लेयर्स आर इक्विवेलेंट तो हमारे सिमुलेशन शो कि इतना बड़ा डिफरेंस बाई चांस आ जाता है कभी कभी, तो ये बाई चांस ही होगा, नॉट बाई स्किल। तो बाई द वे ये जो फाइनल डिडक्शन है, जैसे कि मैं आपको यानी शुरू से बतलाता है, ये सर्टन नहीं है, यानी हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं तो इट डज नॉट प्रूव द नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिमेट्री है, जब डिसप्रूव करते हैं तब तो डिसप्रूव हो जाती है। अगर स्ट्रांग सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो हम कहते हैं कि जो फैक्ट है वो हमारी हाइपोथेसिस को मैच नहीं कर रहा है, हमारी हाइपोथेसिस गलत है। ये बेसिक स्टैंडर्ड साइंस का बुनियादी मसला ये है कि नथिंग कैन बी प्रूवन बट थ्योरीज कैन बी डिसप्रूवन। तो साइंस कभी आपको हक तक नहीं पहुंचा सकता, हाँ बातिल को पहुंचा सकते, ला इलाहा जो है वो है मगर इल्लल्लाह नहीं है उनके पास। तो यहाँ पे हम जब हम ये कहते हैं कि अच्छे ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इससे पता चला कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड। इट डज नॉट मीन कि ये दोनों की स्किल बराबर है, इसके कई वजह हो सकता है कि यहाँ पे शोएब इज मच मोर स्किलफुल मगर इस मैचेस में उसका लक बहुत खराब रहा और उसका एवरेज डाउन हो गया तो हमारी डेटा कहता है कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड मगर नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली फॉल्स। इट हैपेंड बाय लक के वो बाय बैड लक टू शोएब के उसकी स्किल नहीं रिफ्लेक्ट हुई। इसी तरह से और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां इट हैपेंस और ये यानी हम रियल लाइफ में दिखला सकते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड मगर इट्स फॉल्स। तो यहां पे भी यही सिचुएशन है कि अगर रिजेक्टेड है तब तो फॉल्स है, अगर नॉट रिजेक्टेड है तो कुछ नहीं कह सकते, मे बी इट्स ट्रू मे बी इट्स फॉल्स। तो ये एसिमेट्री होती है कि रिजेक्शन इज पक्का, एक्सेप्टेंस इज नॉट। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाह।